सब बोलते हैं कंडीशनर में तो केमिकल्स होते हैं, तो अब क्या किया जाए, कंडीशनर ही बंद कर दिया जाए या फिर कंडीशनर किया जाए? तो देखिए आप मेरे बालों को कैसा कंडीशनर हुआ है। ये जो प्री कंडीशनर जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बालों में एकदम स्मूथ सिल्की शाइनी बाल आपके जो है इससे होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये प्री कंडीशनर और क्या होता है ये कंडीशनर लगाने से और आपका कंडीशनर लगाने से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है दही। आप सभी जानते हैं कि दही क्या, आप सभी जानते हैं दही में लैक्टिक एसिड होता है और ऐसे विटामिन्स इसके अंदर होते हैं जो बालों में लगाने से जो है बालों का झड़ना कम होता है, डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। ये देखिए मैं इसमें जो है ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। ऑलिव ऑयल भी आप सभी जानते हैं बालों के लिए बहुत ज्यादा जो है डैमेज को रिपेयर करता है, ड्राई बालों से छुटकारा दिलाता है, सफेद बालों की समस्या को भी इवन सही करता है। और कैस्टर ऑयल तो बालों को जो है बढ़ने में मदद करता है, ग्रोथ बूस्ट देता है, एक बूस्ट देता है जो है बालों की जो जड़ें कमजोर हो गई है, जिनमें जान नहीं रही है, उनको जो है एक बूस्ट देता है जिससे कि बालों में जान लाता है और बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और हेल्दी स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, साथ ही विटामिन बी और B7 और डी जैसे पोषक तत्व होते हैं। दही के साथ इन सभी ऑयल को मिलाने से लगभग सभी समस्याओं से छुटकारा आपको मिल सकता है। आपको एक घंटे पहले जो है लगाना है इस पैक को और जो है उसके बाद आपको जो है कंडीशनर का मैजिक देखना है। दही को बालों में स्केल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये बालों को पोषण देगा, मजबूत बनाएगा। दही का कॉम्बिनेशन बालों को तेजी से विकास देगा, ऑयल और दही का कॉम्बिनेशन जो है विकास देगा। साथ ही डैंड्रफ से तो आपको छुटकारा मिलने ही वाला है, क्लीन स्केल्प होने वाली है। बाल झड़ने का एक बड़ा कारण जो है डैंड्रफ होता है। हाँ जी, आपने सही सुना, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो ये नींबू ले रही हूँ मैं, नींबू का रस, ये भी हमारे स्केल्प को क्लीन करेगा, जिससे जो है गंदगी साफ करके, डैंड्रफ की और गंदगी को साफ करके आपके बालों को रोम छिद्रों को मजबूत करेगा, स्केल को क्लीन करेगा, सफेद बालों की छुटकारा मिलेगा। बालों को सफेद होने की समस्या आम हो गई है, जिससे कि जो है घर पर आप मौजूद चीजों का सेवन करके ही बालों में तमाम समस्या को दूर कर सकते हैं। काली मिर्ची का भी इसमें एक योगदान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपने काली मिर्ची में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हेयर फॉल, गंजापन, बालों का असमय सफेद होना या फिर रूसी आदि को जड़ से खत्म करती है। विटामिन और खनिज जैसे विटामिन बी और सी तथा पोटेशियम से भरी हुई होती है, तो समस्याएं जो है ये बालों की समस्याओं को कम करती है। मिक्स करके लगाना है दही में। प्रदूषण, ऑयली स्केल्प या फिर बालों का नियमित न धोने की वजह से रूसी हो जाती है। हालांकि काली मिर्ची का उपयोग बालों की समस्या को दूर कर सकती है। काली मिर्ची में विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है जो आपके स्केल्प को क्लीन करती है, तो रूसी से आसानी से जो है छुटकारा मिल जाता है। ऑलिव ऑयल में भी अपन देखते हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल गुण होते हैं जो हमारे बालों को ग्रोथ देते हैं। और काली मिर्ची में ऐसे गुण होते हैं जो जड़ों को दोबारा उगने में मदद करते हैं, गंजेपन को रोकने में सहायता मिलती है। काली मिर्ची में जो है एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, संक्रमण को, इन्फेक्शन से लड़ने में ताकत होती है। इससे बालों में जो है लीक, जू, झड़ना कम हो जाता है। इसके अलावा मिर्ची सी होने की वजह से बालों का टूटना झड़ना तो कम होता है, पतले बालों से भी छुटकारा मिलता है। देखिए मैंने इसको लगा के जो है मास्क को कम्प्लीट कर लिया है। वीडियो अगर जरा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट जो है कर दीजिएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा जो है कंडीशनर, प्री कंडीशनर आप इसे जरूर बनाइए, लगाइए और जो है इसका जो रिजल्ट मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए कि कैसा आपका रिजल्ट रहा, कैसा इसमें जो है चेंजेस और करने चाहिए थे मुझे। तो देखिए आप, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।